बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुई बहन जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बसपा का उनको ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिला। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई। इसी बीच सबसे बड़ी खबर नागपुर संसदीय क्षेत्र से है। नागपुर से भाजपा के कदावत नेता, संघ के सबसे गरीब व केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी की भी हालत पतली दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी चुनाव के अंदर उनके सामने खड़ी हो रही हैं डॉक्टर बांगर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके परिवार में किसी का भी किसी भी राजनीति पार्टी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। इसे नागपुर के चुनाव लड़ने की घोषणा से नागपुर के बहुजन और वहां के लोगों में एक नई ताकत का, नई एनर्जी का काम आया है। हम आपको बता दें, डॉक्टर बांगर एक सामाजिक कार्यकर्ता है और बहुजन समाज की आवाज को जन जन तक पहुँचाती रहती है। पेशे से डॉक्टर है बांगर, बहुजन अल्पसंख्यक समाज में एक अलग पहचान बना चुकी हैं। डॉक्टर बांगर बामसेफ से जुड़ी रही हैं, साथ ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ओबीसी महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, लोगों को, उनकी आवाज को उठाती रही हैं। डॉक्टर बांगर ने हमेशा समाज के लिए अपने सारे वो कार्य करे हैं जिनसे उनकी पहचान और ज्यादा मजबूत हुई है। जिस हिसाब से 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल को देखते हुए बांगर को वहां से उतारा है, नीतीश गडकरी की नाकामी कार्यकारिणी को देखते हुए बांगर को वहाँ के लोगों का जन समर्थन, जन सैलाब बहुत अच्छे से मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है कि डॉक्टर बांगर ने जिंदगी के तमाम ऐशो आराम छोड़कर तन मन धन से जरूरतमंद और गरीब लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रखा था। जानकारों की बताएं तो बहन जी ने उनको टिकट देकर बीजेपी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है, क्योंकि संघ में घुसकर चुनौती दे रही है डॉक्टर बांगर। डॉक्टर बांगर के मुताबिक उनकी लड़ाई इन्हीं मुद्दों पर आधारित है। उन्हें विश्वास है कि नागपुर की जनता बहुसंख्यकों के साथ अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में उनका साथ देगी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार से 5 साल के GST, नोटबंदी जैसी चीजों को लगाकर देश की हालत और पतली कर दी है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको पकौड़े बेचने की सलाह देते हैं देश के नरेंद्र मोदी, जो बिल्कुल से विफल रही है। बेरोजगारी तक की दर दुगनी हो गई है। सच छिपाने के लिए सरकार ने पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारी के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, किसानों से किया वादा भी नहीं पूरा किया है। आए दिन देश के अंदर किसान मर रहे हैं, पर सरकार को अपना बूथ मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में पूरे देश की तरफ नागपुर की जनता भी आक्रोशित है। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें सबसे पहले।